सत श्री अकाल जी, मैं हरजीत सिंह, PTI गुरु हरकृष्ण स्कूल नकल कमाण। अज मैं तुहाडे नाल एक कहानी साझी करना चाहुंदा। कहानी शुरू करदे आं। एक पटवारी दे घर विच एक चूहा रहिंदा सी। चूहे ने एक दिन देखिया कि पटवारी की घरवाली झोले विचों कुछ कढ रही है। तो चूहे ने सोचा कि शायद कोई खाण वाली चीज़ होगी, पर वह खाण वाली चीज़ नहीं सी। चूहे ने देखा कि वह एक चूहेदानी सी। चूहेदानी देख के चूहा डर गया और वो पिछे रेंदे एक कबूतर नूं जाके ये गल दसन लगा और कबूतर नूं कहिंदा भी घर विच चूहेदानी आ गई। तो कबूतर हस पिया और चूहे का मुखौल उड़ाउण लगा और कहण लगा भी मैनू उसका की डर, मैं कड़ा उहदे विच फस चलिया जां मैं, मेरे वास्ते थोड़ी उह कड़िकी लैके आए ने। तो चूहा फिर ये गल कुक्कड़ नूं दसन चले गया। तो कुक्कड़ भी उच्ची उच्ची जोर दी हसन लग पिया। वो कहिंदा भी ये मेरे लिए थोड़ी लैके आए ने, मैनू कहड़ा उस चीज़ का खतरा, मैनू चूहेदानी का कोई खतरा नहीं। उसने मुखौल उड़ाया चूहे का, तो चूहा निराश हो के वाड़े च रेंदे बकरे दे कोल चले गया। बकरे नूं जाके जो गल दसी तो बकरा भी जोर जोर दी उच्ची उच्ची हसन लग पिया। फिर कुछ दिनों बाद रात का टाइम सी, कड़िकी की आवाज़ आई, उहदे विच कुछ फस गया सी। तां उह सप सी, चूहे की जगह सप फस गया। और पटवारी की घरवाली, हनेरा सी, पटवारी की घरवाली ने सप की पूछ नूं चूहे की पूछ समझ के फड़िया और सप ने उसनू डंग मार दिता। फिर उसनू हकीम कोल लैके गए ते हकीम ने उस दी घरवाली का इलाज किया और कहा कि इसनू कबूतर का सूप पियाओ। हुण की सी, कबूतर पतीले विच सी। ते जदों पता लगा उहदे रिश्तेदारां नूं तां सारे रिश्तेदार पटवारी की घरवाली का पता लैण आए। तां फिर उहनां दी सेवा दे लई, उहनां दी आओ भगत दे लई जिहड़ा भी कुक्कड़ बना दिता गया, कुक्कड़ भी पतीले च पा दिता। जदों पटवारी की घर दी ठीक हो गई कुछ दिनों बाद, तां इस खुशी विच बकरा भी छड़का दिता गया। और चूहा काफ़ी दूर जा चुका सी, चूहा बच गया, चूहा घर नूं छड के दौड़ गया सी। कहण दा भाव ये सी कि जदों भी कोई तुहाडे कोल कोई अपनी समस्या लैके आवे तां उसनूं सुनो, उस समस्या नूं दूर करन दी कोशिश करो। ये नहीं कि जे पानी खराब हो रहा तो सानू भी साढ़े घर तो आरो लगा, जे वातावरण दूषित हो रहा, पोल्यूशन फैल रहा, पोल्यूशन के नाल गर्मी बहुत ज़्यादा वध रही है, रुख कट्टे जा रहे हैं, पर सानू भी साढ़े घर तो एसी लगा। यही सोच के नाल असी अपने आप को, अपने समाज को, अपने आंढ़ियां गवांढ़ियां को मुश्किलों के पा रहे हैं। हर किसी की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझो ताकि हरेक व्यक्ति जिहड़ा वो सुखमय जीवन बतीत कर सके। सो मेरी कहानी का मोरल भी यही है कि तुसी हर किसी की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझ के उसनू हल करने की कोशिश करो, ना कि उसका मजाक उठाओ। धन्यवाद।